हेलो एवरीवन, आज हम कार्यपत्री का 24 करेंगे जो कि हिंदी की है, कबीर की सखियों से रिलेटेड है। तो ये 26 अक्टूबर की क्लास 8 की है। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तिका वसंत पर आधारित आपने कई वर्कशीटें की हैं, तो आइए आज हम कुछ और जो आपकी सखियां थी उनको करते हैं। तो आपकी हिंदी की वर्कशीट बहुत लॉन्ग समय के बाद, 2 हफ्तों के बाद आ रही है, तो आइए आज हम बचे हुए सखियों को करते हैं। माला तो करमे फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनुवा तो देहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अब इस दोहे का अर्थ कबीर दास अपनी इस सखी के माध्यम से कह रहे हैं कि जो प्रत्येक वस्तु है उसकी अपनी एक सीमा है। माला हाथ में और जीभ मुख में विचरण करती है, किंतु मन की कोई सीमा नहीं है। वह दशो दिशाओं में विचरण करता है जिसकी हमें समझ ही नहीं होती है। यही दुख का कारण होता है। यदि हमने अपने मन को वश में कर लिया तो फिर कई प्रकार की समस्याओं से भी बचा जा सकता है। तो ये है तीसरे दोहे का अर्थ। अब अगला दोहा है आपका कि, ये आपका चौथा दोहा है, तो चौथा दोहा पढ़ते हैं। चौथा दोहा जो है वो कहता है, कबीर घास ना निदिए जो पाँव तली होड़, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होड़। कबीर दास जी कहते हैं कि घास को पैरों से रौंदे जाने को मना कर रहे हैं, क्योंकि वही घास जब आँख में पड़ती है तो असह्य दुख देती है। इस साखी के माध्यम से कबीर दास यह संदेश देते हैं कि किसी भी व्यक्ति को आप कमजोर ना माने और उसे सताए ना, क्योंकि कभी वह असहाय दुख का कारण भी बन सकता है। अगला, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, यह आपा को डारी दे दया करे सब कोई। ये पांचवा दोहा है। यदि हमारा जो मन है वो शीशल है, अर्थात हमारी समझ सही हो, तो संसार में हमारा कोई भी अहित करने वाला नहीं हो सकता। यदि हमने अपना अहंकार या घमंड त्याग दिया तो सभी हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। तो ये आपको दे रखा है। अब कुछ नए शब्द, कर हाथ, मनुवा मन, नीदिए नींद करना या निंदा करना, दुहेली दुख, बैरी विरोधी, आपा अहंकार। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको प्रश्न दिए हैं। अब निम्न में से कौन सा विकल्प आँख शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नेत्र, चक्षु या नयन? तो ये तीनों आँख के पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पर आपका जो गलत उत्तर है वो है कर। कर मतलब हाथ होता है। अब अगला है, कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि कबीर दास जी के अनुसार माला तो करमे फिरे का क्या आशय है? कबीर दास के अनुसार ये जो कथन है इसका अर्थ है कि जीभ से भजन करने से ईश्वर की भक्ति नहीं होती। अगर मन से भजन ना किया जाए, मन से भजन करने से ही प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा प्रश्न, कमजोर व्यक्ति की निंदा ना करने के लिए क्यों कहा गया है? तो किसी कमजोर व्यक्ति को निंदा ना करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसकी निंदा हमारे असहाय दुख का कारण बने, जिस दुख को हम कभी मिटा ना सके। चौथा, मन को शीतल रखने से संसार में कोई भी बैरी कैसे नहीं होगा? तो मन को शीतल रखने से संसार में कोई भी बैरी नहीं होगा, क्योंकि यदि हम घमंड और अहंकार को त्याग देंगे तो सभी हमारे साथ मित्रता का व्यवहार करने लगेंगे। अब आपका गतिविधि प्रश्न है, उपयुक्त साखियों में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी? अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लगे, तो आप ये खुद भी कर सकते हैं, वरना ये उत्तर भी लिख सकते हैं। मुझे सबसे ज्यादा अच्छी कबीर दास जी की यह सखी लगी जिसमें वे कहते हैं, घास को पैरों से ना रौंदे, जानक को मना कर रहे हैं, क्योंकि वह घास जब आंख में पड़ती है तो वह असहाय दुख दे सकती है। अर्थात उनका कहने का ये अर्थ है कि
कि किसी व्यक्ति को कमजोर मानकर उसे ना सताएं, क्योंकि कभी वह असहाय दुख का कारण भी बन सकता है वही व्यक्ति। तो बच्चों, आप इस तरह से ये वाली वर्कशीट करेंगे। तो अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के साथ, अगले असाइनमेंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाय एवरीवन।